दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और आज हैं हम लोग लखनऊ में, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। हम लोग रूम चेकआउट कर चुके हैं अपना, लगेज वगैरह माउंट कर, और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे अपनी बाइक की सर्विस। जुपिटर की में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी रिपेयर करानी है। ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, पिकअप इसका छोड़ दे रहा है। तो ये करवाने के बाद में फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। ये हमारे अनुदीप भाई यहाँ पे लखनऊ में हमारी बहुत हेल्प किए। पहले अभी इनके घर पे जा रहे हैं, इनके घर पे नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर बाइक की रिपेयर करा के, स्कूटी की रिपेयर करा के फिर हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए। अनुदीप भाई के घर पे नाश्ता, कल रात का डिनर भी यहीं पे। अभी जा रहे हैं हम लोग ये जुपिटर ठीक कराने, और मेरी गाड़ी का भी जो ब्रेक चिपक रहा है वो ठीक करा लेते हैं। अनुदीप भाई हम लोग को लेके जा रहे हैं वहाँ तक अपनी शानदार लैमरेटा में। साउंड भी बड़ा प्यारा साउंड है, बेस से भरा हुआ साउंड है लैमरेटा का। मेरे बाइक का जो ब्रेक उसके पिस्टन के पास का रबर कट गया है, तो वो केवल वो रबर अलग से बजाज के शोरूम में ही मिलता है, सुजुकी वगैरह में तो पूरा ब्रेक का डिस्क ब्रेक का असेंबली लेना पड़ेगा। तो ये बजाज का शोरूम दिखा है लखनऊ में, यहाँ से वो स्पेयर पार्ट ले लेते हैं। आज गर्म तगड़ा है, बहुत तेज गर्मी है आज। हाँ यही तो है, यही है, यही है। जितनी रबर लगती है आगे जो है, जितनी है वही रबर लिए। ठीक है भाई, थैंक यू। और सुजुकी में रबर अलग से नहीं मिलता, मेरे को पूरा 2000 खर्चा करना पड़ता। अरे बाबू, क्या हुआ? हाँ आगे लगवा लेंगे। नहीं, अभी जब प्रॉब्लम करेगा ना, फिर से चिपकेगा तब लगवाऊंगा। ये है पड़ा 95 रुपीस का हम लोग को। चलो बच गया, 2000 बच गया। अरे 2000? क्योंकि सुजुकी में मैं बात किया मेरे शोरूम में, सर्विस सेंटर में, वो बोले कि वो रबर नहीं आता अलग से सुजुकी में। उसी का मैकेनिक बताया कि आप बजाज शोरूम चल देना, वहाँ से ले लेना, मैं लगा दूंगा। यहाँ से आप करवाओगे तो 2000 लगेगा। आप थोड़ा स्लो चलाना, आप बहुत कट मार के चला रहे हो, स्लो चलाना थोड़ा सा। क्या पेट्रोल? धीरे धीरे चलाना कह रहा हूँ। अच्छा। आप बहुत सारे कट वट मार के निकल जा रहे हो, हम लोग गांव वाले नहीं समझ पाते हैं। नहीं सही बता रहा हूँ, हिमालय में मेरे को गाड़ी चलाना आसान लगता है, लेकिन जो ये बड़े शहरों के ट्रैफिक में मेरे को बहुत नर्वस हो जाता हूँ मैं। मेरे को तो हर जगह का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है बट मेरे को ना शहरों में जो जूम जाम कहीं से भी कोई घुसा देते हैं। हम लोग एकदम खाली सड़क रहता है हमारे यहाँ पे। यहाँ तो है ये, कहीं से भी कोई आ सकता है, आप तैयार रहिए। हाँ तैयार रहिए। चलिए अमित चले। ये TVS का शोरूम मिल गया अमित को, अब यहाँ पे उसकी गाड़ी का काम करवा लेते हैं, देखते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है। स्कूटर का प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो गया, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो कार्बोरेटर है उसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। जो फ्यूल वाला जो क्या रहे स्क्रू रहता है वो पूरा ओपन हुआ, खुला हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्यूल आ रहा था, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था और बर्न नहीं हो पा रहा था पेट्रोल। तो अभी उसको सही एडजस्ट हो करवा लिए हैं यहाँ पे सर्विस सेंटर में, और अब बढ़िया चल रही है गाड़ी। अब चलते हैं दिल्ली। लखनऊ में है अभी अनुदीप भाई के साथ साथ, वो अनुदीप भाई हमको अपनी लैमरेटा में, शानदार लैमरेटा में हम लोग को लीड कर रहे हैं। अभी 12:15 बजे है, और जैसा कि आप ये बोर्ड देख पा रहे होंगे, दिल्ली यहाँ से 507 किलोमीटर है, और
ये एक नया एक्सप्रेसवे बना हुआ है लखनऊ से आगरा के बीच। आगे से लेफ्ट ले रहा हूँ, लेना है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए 5 किलोमीटर के बाद। आज अभी 12:30 बज चुका और आज जो अभी अनुदीप भाई हम लोग को यहाँ इस एक्सप्रेसवे से छोड़ेंगे वापस, और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैं तो पसीने से नहा गया हूँ बिल्कुल। गर्मी में अंदर ये सेफ्टी गियर जैकेट के अंदर मैं पूरी तरह से नहाया हुआ हूँ, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अनुदीप भाई को अलविदा करते हैं और उसके बाद फिर अब चलते हैं। चलिए, आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। हमें खुद मेरा खुद इतना वो है कि कितना अच्छा होता अगर आप हम लोग को ज्वाइन करते हमारे साथ लद्दाख चलते। खैर कोई बात नहीं, एक दिन चलेंगे, जिंदगी बहुत लंबी है, दुनिया गोल है। ठीक है, फिर बाय। बात है, इतना बेहतरीन सड़क, इतना बेहतरीन, और इसमें स्पीड लिमिट भी 100 की है। लेकिन अब क्योंकि जुपिटर भी हमारे साथ है तो हम लोग 70 से 75 के बीच चल रहे हैं। थोड़ा बोरिंग लग रहा है और अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी बेहतरीन सड़क है, मन तो कर रहा है कि मैं भगाऊं, कम से कम 90 तक टच करूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अमित भाई के लिए स्पीड कुर्बान। काफ़ी बोर लग रहा है इतने बेहतरीन सड़क में, मतलब 70 की स्पीड में। यहाँ पे स्पीड लिमिट भी 100 के MPH की है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ और आगे कहीं पे वेट कर लूँगा अमित का। टक इन, क्या बात है। 91-92 स्पीड लिमिट के अंदर ही रहेंगे। मेरे पास हायाबुसा होती, लेकिन हायाबुसा होती तो भी स्पीड लिमिट तो 100 के ही है, और 100 तो मेरी बेबी बुसा भी जा रही है जिक्सर। एक बार टच करता हूँ 100, आहा 101-102, ज़्यादा नहीं भगाएंगे, कम कर लेते हैं, अपनी स्पीड लिमिट में ही रहते हैं। आगरा अभी यहाँ से लगभग 240-250 के आसपास में है, और वेदर बहुत अच्छा हो गया है, अभी बादल वगैरह छा गया है तो टेम्परेचर बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, अभी राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। बहुत बहुत सुंदर सड़क है ये यूपी का, मतलब बहुत बेस्ट सड़क है यमुना एक्सप्रेसवे के बाद में। यमुना एक्सप्रेसवे से भी ज़्यादा अच्छा मेरे को ये सड़क लग रहा है, क्योंकि इस सड़क में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यमुना एक्सप्रेसवे के जितना। और हाँ, एक बात है कि अभी ये डेवलप हो रहा है तो अभी फैसिलिटीज़ वगैरह, रोड साइड फैसिलिटी, पेट्रोल पंप वगैरह उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं है, लेकिन हो जाएगा वो। और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सड़क बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने।
100 की स्पीड लिमिट हमारी जुपिटर जा रही है लगभग 70-80 में। और आज अमित भाई बहुत बहुत खुश है, कल तक वो थोड़े से अपसेट थे क्योंकि स्कूटी में जुपिटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, और आज वो बहुत अच्छे मूड में है, बहुत मस्त मस्ती के मूड में है, बड़ा अच्छा लग रहा है आज इनके साथ में राइड करने में। और अमित भाई मज़ा आ रहा है ना, चलो चलो पेट्रोल पंप किधर है भैया? आगे है, 500 मीटर आगे। इधर? अच्छा। 500। थैंक यू। और आगे से ही सड़क में कनेक्ट होने के लिए आगे से? गाड़ी जा रही है ना? हाँ हाँ। अच्छा, यहीं से कनेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू। आगरा जाना हो तो? हाँ, आगरा जाना है। ठीक। एक्चुअली जुपिटर में फ्यूल बहुत कम है, तो यहाँ तालग्राम करके एक जगह है इस हाईवे पे, तो वहाँ से ये डाइवर्सन लेके एग्जिट लेके आगे पेट्रोल पंप में जा रहा हूँ। अमित पीछे से धीरे धीरे आ रहा है वो, और बस उम्मीद है कि वो इस पेट्रोल पंप तक पहुँच जाए। लॉन्ग राइड्स में क्या है, जुपिटर या किसी दूसरे स्कूटर्स की ज़्यादातर जो फ्यूल टैंक होती है 5 लीटर की होती है, तो रेंज काफ़ी कम हो जाता है। और लॉन्ग राइड जब अपन करते हैं, जब हाई स्पीड्स में चलते हैं, एक्टिवा के हिसाब से काफ़ी हाई स्पीड होती है, जुपिटर के हिसाब से काफ़ी हाई स्पीड है, 70-80 पे चल रहा, तो फ्यूल ज़्यादा बर्न होता है, रेंज और कम हो जाती है, तो बार बार रिफ्यूलिंग करना पड़ता है। ये मिल गया पेट्रोल पंप, यहाँ कुछ पानी वानी भी है, पानी वानी कुछ पी लेते हैं और मैं वेट कर लेता हूँ अमित का। अमित की स्कूटी में पेट्रोल कम था, तो अभी मैं यहाँ पे मैं उसको बोला कि आप धीरे धीरे 60 की स्पीड में बढ़ते रहो ताकि एक बढ़िया माइलेज भी लगे, आप ज़्यादा दूर तक चल पाओगे, और मैं आगे पहुँच के पेट्रोल पम्प ढूँढता हूँ। तो तालग्राम के पास में ये पेट्रोल पम्प मिला है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में, तो बस मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर रहा हूँ, अमित का लोकेशन भेज दिया हूँ। अमित भाई आ चुके हैं, इनका पेट्रोल टैंक फुल भी हो चुका है, 1 लीटर एक्स्ट्रा बॉटल में भर के अपन बैग में भी डाल दिए हैं, अब पहुँच जाएंगे आगरा, और आज पहुँचना है दिल्ली। दिल्ली अब ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत नज़दीक। आगरा है अभी यहाँ से 45 किलोमीटर लगभग, और अभी आ रहा है मज़ा गाड़ी चलाने में, क्योंकि हम लोग अभी अपने अपने पेस में अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से चला रहे हैं। मैं अभी इस एक्सप्रेसवे में लगभग 90-95-100 का स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, और दीपक भाई अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से चला रहे हैं, और अमित अपने कंफर्ट के हिसाब से। वो क्या रहा है, जो भी आगे निकल जाता है वो 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक ले लेता है पानी वानी पीने के लिए, तब तक बाकी लोग पहुंच जाते हैं। फिलहाल मैं सबसे आगे चल रहा हूं, और एक आध किलोमीटर के बाद मैं ब्रेक ले लूँगा, तब तक दीपक और अमित भाई भी पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर से हम लोग राइड कंटिन्यू करेंगे। थकावट बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। इंडिया के सबसे अच्छे सड़कों में से एक सड़क में मैं गाड़ी चला रहा हूँ सौभाग्य से, क्योंकि हमारे वहाँ छत्तीसगढ़ पे इतनी अच्छी सड़क नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ राइड, और कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं है, दिल्ली पहुँचना है वैसे आज रात तक, शायद 10-11 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएंगे, क्योंकि कल मीटअप है, तो आज दिल्ली पहुँच जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर कहीं पे ज़्यादा थकावट लगती है या फिर ऐसा लगता है कि अब मज़ा नहीं आ रहा है, अब सोना चाहिए, रुकना चाहिए, तो कहीं भी रूम लेके रुक जाएंगे। लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। शाम के 7 बज चुके हैं, लगभग 12 बजे से हम लोग राइड कर रहे हैं, टोटल अभी हम लोग लगभग 310 किलोमीटर आ चुके हैं, आज की 310 किलोमीटर की राइड हो चुकी है। लेकिन इतना मक्खन सड़क है ना,
थकावट नहीं लग रहा, ना तो झटके हैं, ना तो आपको बार बार ब्रेक मारना है, ना तो बार बार क्लच दबाना है, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ बढ़ते जाओ, मज़ा आ रहा है, कोई थकावट नहीं लग रही है, आराम से दिल्ली पहुंच जाएंगे। चलो दिल्ली। क्या बेहतरीन सनसेट हुआ है अभी, सनसेट का नज़ारा तुरंत अभी तुरंत क्या कहते हैं सनसेट हुआ है, और उसके बाद ये बेहतरीन खूबसूरत हाईवे, और इस हाईवे पे वो जो लालिमा लिया हुआ ये आसमान, ये बादल, क्या बात है, दुनिया कितनी सुंदर है। और 100 की स्पीड में एक्सप्रेसवे में राइड करते हुए सनसेट देखने का मज़ा ही कुछ और है, मतलब आज लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत। टोल प्लाजा 1 किलोमीटर पे 205 रुपये टोल टैक्स। अभी हम लोग गुजर रहे हैं मथुरा से, जम के भूख लगी है, आगे कोई भी रेस्टोरेंट या फिर कोई भी जलपान गृह दिखता है तो हम लोग रोकते हैं, खाते हैं, प्यास भी लगी है, जम के पानी भी ख़त्म हो गया है। और अभी इतनी देर राइड करते करते थोड़ा सा हाथ पैर में अकड़न हो रही है, अमित भी बोल रहा है थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। ये कोई भाई हैं जो रुकने के लिए कह रहे हैं, देखते हैं कौन है। अरे दुष्यंत भाई, कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा में है, और अभी हमारे साथ में ये दुष्यंत जी एक्चुअल में रहने वाले उड़ीसा के हैं, अभी यहाँ इनकी पोस्टिंग है, पुलिस विभाग में हमारी सुरक्षा करते हैं ये, और अभी इनके साथ में डिनर हुआ, और डिनर के बाद में अभी हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए, रात के 10 बज चुके हैं अभी, और खाना भी काफ़ी अच्छा था, खाना खिलाया हम लोग को इस भाई ने, ये ढाबे का नाम है बांके बिहारी फैमिली ढाबा। तो बड़ा अच्छा लगा दुष्यंत भाई मिलके, मिलते हैं, आप आओगे ना उड़ीसा, ये मेरे घर के बहुत करीब रहते हैं, मैं इनको इनवाइट किया हूँ मेरे घर आओ कभी करके, तो अगली बार शायद आप इनको मेरे व्लॉग में देखेंगे, तो शायद हम लोग मेरे घर के बच चुके हैं, गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो चुकी है और हमारी भी बैटरी ख़त्म हो रही है, तो सड़क के किनारे में, बिल्कुल किनारे में जो घास है वहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं टिक के, ये क्या कहते हैं, रेलिंग से टिक के बैठे हुए हैं, दीपक भाई भी बैठे हैं उधर, अमित तो पूरा लेटा हुआ है, इधर हमारी गाड़ी खड़ी है। दिल्ली अभी भी 56 किलोमीटर दूर है, और अभी नाइट में राइड करके, मैं अवॉइड करता हूँ नाइट राइडिंग करना, लेकिन नाइट में राइड करके दिल्ली आज पहुँचना बहुत ज़रूरी था, आज टेक्निकली 17 तारीख हो गया, हम लोग 16 तारीख को निकले थे लखनऊ से 12:30 बजे, अभी 1:30 बज चुका, मतलब अभी 17 तारीख हो चुका है, तो आज शाम को 5 बजे मीटअप है, तो मैं इंतज़ार नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब आओ, जो हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मित्र हैं वो आए, मैं उनसे पहले पहुँचना चाहता हूँ, मैं इंतज़ार करना चाहता हूँ, मैं इंतज़ार नहीं करवाना चाहता, इसीलिए आज नाइट राइड करके हम लोग पहुँच रहे हैं दिल्ली की तरफ। और अभी हम लोग पहुँचे हैं दिल्ली और करोल बाग एरिया में, और जैसे थोड़ी देर पहले क्या है, मैं इंस्टा पे अपडेट डाला था 56 किलोमीटर है, और मेरा छोटा भाई उस अपडेट को देखा और फिर तो मेरे को मैसेज किया था कि भैया कहाँ हो और अभी क्या करने वाले हो, रूम हो गया है कि नहीं हुआ है, मैं बोला कि अभी पहुंचने के बाद में हम लोग रूम खोजेंगे करोल बाग एरिया में, तो बोलता है कि मैं आपको एक रूम गिफ्ट कर देता हूँ, ओयो से बुक कर दे रहा हूँ, वो इंदौर में बैठा हुआ है मेरा छोटा भाई, और मेरे लिए यहाँ करोल बाग में रूम बुक कर दिया है ओयो रूम, तो बस बड़ा मतलब एक स्वीट सा गिफ्ट है वो, बस कि भैया को अभी वहाँ पहुँचने के बाद रूम ढूँढने के लिए, मतलब इतने थके हुए हैं भैया, रूम ढूँढने के लिए उनको ज़्यादा इधर उधर परेशान ना होना पड़े, सिर्फ ये सोच के वो ओयो रूम बुक कर दिया, पेमेंट भी कर दिया है, अभी बस लगभग 5 मिनट की दूरी पर हैं उस होटल पर, तो जाते हैं चेक इन करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मस्त लड़का है मेरा भाई। पहुँच गए होटल अशोका इंटरनेशनल, सुबह के 4 बजे
अमित भाई की तो हालत इतनी खराब हो गई है, वो पूरा रूम में घुसते ही वो लेटे और लेटते ही उनको नींद आ गई है। और दीपक भाई में थोड़ी सी जान बची है, कह रहे हैं कि मैं अभी थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो लूँगा, नहाऊंगा, उसके बाद सोऊंगा कह रहे हैं। मेरे में तो बिल्कुल जान नहीं बची है, मैं सिर्फ अभी चेहरा दूंगा और सो जाऊंगा। बच चुके हैं चार, रात के चार नहीं, रात हमारे लिए रात के चार है लेकिन एक्चुअल में सुबह के चार बज चुके हैं। 17 तारीख हो चुका है, सोना है। डब्लू का बहुत, डब्लू मेरे छोटे भाई का नाम है, डब्लू का बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू डब्लू की हम लोग को आज रूम ढूंढना नहीं पड़ा इस हालत में, क्योंकि अभी हम लोग कुछ भी करने के हालत में नहीं है, मेरी आवाज़ बैठ चुकी है, पूरा डिहाइड्रेट हो गया हम लोग। और ये जो गिफ्ट था ना डब्लू, बहुत 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 शानदार था तुम हम लोग के लिए, वहाँ इंदौर में बैठ के यहाँ करोल बाग में रूम बुक कर दिए, रूम का पेमेंट भी कर दिए, पता नहीं हम लोग को नहीं पता है कि इस रूम का चार्ज कितना है। हम लोग बस होटल रूम के बाहर पहुँचे, लड़का सारा बैग भी हमारा ऊपर लेके आ गया, जो भी है थक गए हैं, सोते हैं और मिलते हैं कल। कल मीटअप में जाना है, और अगर आपने वीडियो अभी यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत थक गया हूँ फिर भी आप लोगों के लिए व्लॉग कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, एक लाइक तो बनता है। राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट, जय हिंद जय भारत, दिल्ली, राजधानी दिल्ली।